नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। पहले से ही मुश्किलों में घिरे बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को एक और झटका लगा है। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। मायावती ने सीट पर अपने नए प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर दिया है और शुक्रवार सुबह मायावती ने मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी के टिकट काटे जाने की घोषणा की है। मायावती ने साफ कहा कि विधानसभा चुनाव में बसपा की भी बाहुबली या माफिया को टिकट नहीं देखी। तो चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अब जो है नई चीजें जो है देखने को मिल रही है। ऐसे में बसपा ने मुख्तार अंसारी का इस बार पत्ता जो है वो काट दिया है। मुख्तार अंसारी को टिकट इस बार बीएसपी से नहीं दिया जाएगा। मायावती ने इस बात का ऐलान कर दिया है। तो बता दें, चुनाव अब बेहद ही नजदीक है यूपी में और अब ऐसे में बीएसपी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि उन्होंने मुख्तार अंसारी का टिकट और पत्ता इस बार काट दिया है। जबकि इस बार जो है बता दें उनकी जगह ऐलान काट जो है उनकी जगह टिकट जो है वो राजभर को दिया जाएगा। ऐसे में ऐलान ये भी किया गया है और सुबह शुक्रवार सुबह ही मायावती ने ऐलान किया कि मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी के टिकट काटे जाने की घोषणा जो है वो मायावती की तरफ से की गई है। ऐसे में उन्होंने साफ कहा है कि विधानसभा चुनाव में बसपा की भी बाहुबली या माफिया को टिकट जो है वो नहीं देगी। तो ऐसे में चुनाव बेहद नजदीक है और बसपा ने मुख्तार अंसारी का पत्ता काट दिया है। तो बता दें यूपी में अब विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। ऐसे में मायावती की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है और कहा गया है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी का इस बार पत्ता जो है वो पार्टी से काटा जा रहा है और टिकट इस बार उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में ये लगातार बता दें पहले से ही मुश्किलों में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी घिरे हुए थे, अब एक और झटका उन्हें लगा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारी लखनऊ से ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी जुड़ चुकी है। रूबी, मायावती साफ तौर पर इस बार बाहुबलियों से जो है वो दूरी बनाती हुई नजर आ रही हैं। पारुल, बता दूं कि मायावती जो है खास तौर से वो इस बात का चयन करती है कि कोई भी इनके पार्टी से जो भी जुड़ता है उसके एक पूरे बैकग्राउंड के पर खास नजर रखती है जी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव को लेते हुए उन्होंने ये जरूर एक ऐलान ये किया है कि जो भी इस तरीके से बंदे निकलेंगे, यानी कि जो भी जिसका भी बैकग्राउंड निकलेगा खराब होगा, रिपोर्ट जिनकी तैयार की जा रही है, खासतौर से उसमें मुख्तार अंसारी का नाम उन्होंने पहले रखा है। और यूपी के जो बीएसपी स्टेट अध्यक्ष है यानी कि राजभर जो है उसको शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मायावती का जो स्टैंड है वो अब ये साफ देगा, क्योंकि ये कानून को लेकर काफी, जब इनकी सरकार थी तो काफी सख्त रहती थी। वैसे में ये बिल्कुल सही है कि अब इनकी जो और भी कैंडिडेट है उसकी पहली नजर देखी जाएगी कि और किन किन लोगों को ये फाइनल करते चलेंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी के लिए काफी बड़ा झटका है। क्योंकि पहले से ये कयास यही लगाया जा रहा था कि बीएसपी की तरफ से इनके लिए नाम पहले ही रखा जाएगा, पहले नंबर लिस्ट पे इनका नाम रहेगा। लेकिन ऐसे रातों रात के लिए एक सही बात है कि इसमें इनके लिए झटका जरूर है कि मुख्तार अंसारी को अब वहां से टिकट नहीं दिया जाएगा, यानी कि पार्टी से बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया जाएगा। फॉरन जी बिल्कुल रूबी, और देखिए जिस तरह से मुख्तार अंसारी की जगह टिकट जो है वो राजभर को दिया है, ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि राजभर कार्ड जो मायावती खेलने की कोशिश कर रही हैं वो कितना सही साबित हो पाएगा। पारुल, अब राजनीति जो हो रही है वो खास तौर से समीकरण को लेकर हो रही है। खास तौर से जो संकल्प होंगे यानी कि इनके जो जाति समीकरण हो या फिर कैसे भी पैड बैठे, बस अब जो फेस होंगे बीएसपी के वो बहुत अथक प्रयास के साथ किया जाएगा। क्योंकि मायावती ने अब ये बात ठानी है, पहले भी उन्होंने कहा था कि अब हम जो भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे उसके बारे में पहले रिपोर्ट कार्ड निकलवाएंगे, नए चेहरे भी हो सकते हैं, यानी कि नए लोगों को भी मौका मिल जाएगा इस पार्टी में। यानी कि मायावती खुद चाहती है कि अब जो सवेरा हो रहा है वो अब नए लोगों के साथ हो।
तो कहीं ना कहीं पुराने जो लोग होंगे उनका पत्ता जरूर सफाया होगा, क्योंकि इससे पहले कई नाम और भी निकल के आए थे, इंतजार आप ही थे, उनका भी नाम निकल के आया था लेकिन उनका नाम अभी लिस्ट में कहीं से शामिल नहीं किया गया। लेकिन अब मुख्तार के बाद राजभर को जरूर शामिल कर लिया गया, यानी कि राजभर जो होंगे उनकी कमान संभालेंगे। बीएसपी की तरफ से खास नजर आते हैं राजभर और उनके कई कार्यक्रमों में साथ खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल ये माना जा रहा है कि अब जो बीएसपी है वो फुल मूड में है कि जो समीकरण बैठाना है उसके लिए अभी सीट को लगना होगा और रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से इनकी तैयारी होगी। जी बिल्कुल रूबी, आप मेरे साथ बनी रहिएगा, अगली खबर पे भी आपसे अपडेट लेंगे, आप बनी रहिएगा। तो ऐसे में बीएसपी ने मुख्तार अंसारी का टिकट जो है वो काट दिया है। आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की करेंगे। चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि चुनाव में कैंडिडेट उतारने के लिए इस बार कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है। ये रणनीति कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तैयार की है और बताया जा रहा है कि चुनाव में कांग्रेस प्रोफेशनल तरीके से कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है, जिसमें कैंडिडेट को उनकी क्षमता और जनता में लोकप्रियता के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारने के लिए कांग्रेस ए बी सी और डी कैटेगरी की लिस्ट बनाएगी। कहा जा रहा है कि रणनीति प्रियंका गांधी की बनाई गई है और ए कैटेगरी की लिस्ट में वो कैंडिडेट होंगे जिन्हें कांग्रेस जीता हुआ समझती है। इस लिस्ट में 40 लोगों के नाम भी शामिल हैं। वहीं बी कैटेगरी में उन 100 लोगों की लिस्ट जारी होगी जो अपने अपने इलाकों में मजबूत होंगे, यानी ऐसे कैंडिडेट जो जनता के बीच काफी लोकप्रिय होंगे। वहीं सी कैटेगरी में उन 150 लोगों के नाम होंगे जो काफी लंबे समय से क्षेत्र और कांग्रेस के लिए काम कर रहे होंगे, जबकि डी कैटेगरी में लिस्ट में 104 लोगों के नाम होंगे। ये वो लोग होंगे जिन्हें जीतने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। तो यानी कि साफ तौर पर प्रियंका गांधी अब जो है वो रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है और ए बी सी डी कैटेगरी में कैंडिडेट को उतारने की कांग्रेस जो है वो कोशिश कर रही है। चलिए फिर से एक बार मैं रुक करूंगी हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी का। रूबी देखिए, जिस तरह से यूपी चुनाव की बात की जाए 2022 में, तो अब सभी पार्टियां पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं। अब जो है ये कांग्रेस की नई रणनीति सामने आई है, ए बी और सी कैटेगरी में वो अपने कैंडिडेट उतारना चाहती है, इसको किस तरह से समझा जा सकता है? कई पार्टियां, अगर हम बात कर रहे हैं, पार्टियां लगातार अपने मंथन में शुरू हो चुकी हैं और आप लखनऊ कल से जब पहुंची हैं प्रियंका गांधी, तो सारे लोगों के साथ उन्होंने एक बैठक करी थी और आज भी उनकी बैठक चल रही है, यानी कि रणनीति कमेटी के साथ आज उनकी बैठक हुई है। आगामी चुनावी अभियानों को लेकर उन पर गहन अध्ययन किया जा रहा है और जोन वार चुनावी अभियान होंगे, यानी कि कांग्रेस सलाहकार समिति और रणनीति कमेटी ने पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालने का भी निर्णय लिया है। अभी जो ताजा सूचना मिल रही है, कांग्रेस ने प्रतिज्ञा यात्रा का भी आयोजन किया है, इसमें कहा जा रहा है कि 12,000 किलोमीटर चलेगी कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा, यानी कि बड़े गांव होंगे, कस्बे होंगे और सब यात्राओं से निकलते हुए उनके तक पहुंचेंगे और यात्रा के दौरान होने वाले जो भी कार्यक्रम होंगे उसकी रूपरेखा तैयार करेंगी खुद प्रियंका गांधी, और यात्राओं के बीच में जो रूट होंगे उन मुद्दों पे महासचिव जो होंगे उनकी राय ली जाएगी और सलाहकार जो होंगे उस कमेटी के सदस्यों से सलाह ली जाएगी। और इसके साथ ही साथ बैठक में प्रियंका गांधी के साथ जो लोग खासतौर से अजय लल्लू प्रसाद हैं वो मौजूद रहे, उन्होंने कई बिल्कुल रूबी देखिए, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ये साफ कर दिया है कि कैटेगरी के वाइज इस बार जो उन कैंडिडेट होंगे उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। देखिए, एक कैटेगरी की बात कर ली जाए तो उसमें 40 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें मैदान में उतारा जाएगा, तो क्या अभी लिस्ट कब तक आ पाएगी, इसको लेकर कुछ जानकारी है? पर अभी लिस्ट को लेकर ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि हाँ सही लगाया जा रहा है, जो एक कैटेगरी के जिनको रखा गया है, यानी कि उनको पहले ही से माना गया है कि अगर कांग्रेस में इनको फिर से लेके बुलाया जाएगा जो लोग नाराज है उनकी वापसी की जाएगी, और ये भी कह सकते हैं कि जो लोग दूरी बना के रखे हुए उनको बुलाने की पूरी कवायद रहेगी। तो खुद कांग्रेस ये बात मांग रही है और खासतौर से प्रियंका का मैदान में उतरने का तरीका ही अलग होता है, क्योंकि इनकी छवि इंदिरा गांधी से मानी जाती है और लोग उसको काफी पसंद करते हैं।
यानी कि इसके पास की वैल्यू रखी जाती है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जब लखनऊ में प्रियंका गांधी आती है तो जितने भी इनके कार्यकर्ता हो या इनके साथ के जो भी लोग हों वो सारे लोग लगातार इनके साथ बैठक में शामिल रहते हैं, खुद भी राय देते हैं और उनकी जो बात होती है वो सुनने की और समझने की कोशिश करते हैं। अब लखनऊ में ए बी सी कैटेगरी को इसी तरह पे ही रखा जा रहा है कि अगर जो पुराने लोग हैं उनको वापसी बुलाया जाए, जो काम अधूरे पड़े हुए हैं वो कांग्रेस अपनी तरीकों से यानी कि गांव कस्बे या जिले में पहुंचाएंगी, तीसरी जो सी कैटेगरी में रखे जाएंगे उनके जरिए वो पार्टी को मजबूत करने के लिए छोटे समर्थकों को लेकर सहारा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी इस मूड में आ चुकी है कि अगर हमें पार्टी को मजबूत करना है तो कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी श्रेणियां होंगी उनको लेके ही चलना पड़ेगा। तो ऐसे में अब ये भी एक सूचना मिल रही थी कल अमेठी भी पहुंच सकती है और अमेठी में जो उसके पुराना क्षेत्र माना जाता है उसका घर वापसी की माना जाता है और कल अमेठी पहुंचने की उसकी सूचना है इसी बात को लेकर है कि यहाँ से वो सीधा अमेठी की जा सकती है। अभी जो सीधा जो हम लोगों को अभी सूत्र के हवाले से खबर मिल रही जी। जी चलिए रूबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब यूपी में कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आ रही है, इसीलिए वो प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये ऐलान कर दिया है कि चुनावी मैदान में जो कैंडिडेट उतारेगी वो ए बी सी और डी कैटेगरी के हिसाब से ही उतारे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे पीलीभीत की खबर का। पीलीभीत में पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिन लगभग शाम 5 बजे चांद मियाँ का 4 साल का बेटा उबैस जब सरकारी नल पर पानी भरने गया था तब पूरनपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसको टक्कर मार दी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं मौके पर भीड़ ने अमृतपुर निवासी परमजीत सिंह की पिटाई कर दी। गुस्साए सिख समुदाय के लोगों ने पीड़ित पक्ष के घर पर हमला बोल दिया और घर में मौजूद लोगों की पिटाई कर दी जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते पीड़ित पक्ष पर ही कार्रवाई कर दी। वहीं घटना को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं। मामले की सूचना पर सीओ पूरनपुर थानाध्यक्ष फोर्स सहित एसपी दिनेश कुमार प्रभु भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल अब दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने में पुलिस जुट गई है। अरे हमारे घर में हमारा बच्चा भी जान से चला गया और घर में सबको मार के गए, तलवार में चलाए के गए। बताओ तो हमारे तरफ तो देख लेते, उनके पैसे दे के हमारी गरीबी नहीं देगी। हमारे घर में हमारे नंदोई के हमारे चेड़ के बच्चे सबको मार के गए। हमारा बच्चा इधर ही खड़ा था, उधर भी नहीं पहुंचा। हमारा पानी लेने जा दिया था, पानी लेने जाते जाने पर उसको जो टक्कर गाड़ी वाला आया उसने टक्कर मार दी और मारने के बाद टक्कर हम तो लोग बच्चे को लेके साथ वाले वहाँ चले गए। उसके बाद जो है वो लोग थाने में सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद जो है घर पर आए थे, जो है उन लोगों ने घर पर जो है मारपीट करने लगे हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अगली खबर का। बलरामपुर में स्थानीय थाना क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से 3 बच्चों की मौत हो गई है। बता दें गांव में 7 से ज्यादा लोग बीमार हैं और ग्रामीणों की सूचना पर सीएससी शिवपुरा से स्वास्थ्य टीम इलाज के लिए भेजी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बच्चों की मौत और बीमारी के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। हरैया थाना क्षेत्र के पुरवैया निवासी नुन्नु गांव का सभा प्रधान प्रतिनिधि ने बताया है कि सौरभ के बेटे बाबा दीन को एक दिन पहले अचानक उल्टी दस्त होने लगे थे और आधे घंटे के अंदर ही बाबा दीन की मौत हो गई थी। सर क्या समस्या? बहुत समस्या है सर, यहाँ बच्चे 5-6 लोग मर चुके हैं सर, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पहले डॉक्टर आए थे तो फिर? हाँ सर आए थे, मुला वो दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे गांव में कितने लगभग मरीज इस संक्रमण रोग से पीड़ित हैं? ये शायद तो सर कुल मिला के होंगे 10-12 लड़के। 10-12 लड़के, मृत कितने लड़के का हो चुका है मृतक? और 4 लड़कन का हो गया, 3 हुआ है, तीन दो हुआ। पहले हुआ था, आज एक हुआ है। गांव में बहुत बीमारी चल रही है। अच्छा, ऐसा है कि उल्टी दस बच्चों की आ रही है और हमारे जो उत्तर तरफ में एक कुम्हार की घर के बच्चे थे उनके 2 बच्चे मर गए हैं। एक नई बिरादरी थी बच्चे के, वो भी मर गए हैं। और फिर हमारे घर में एक बच्चा था वो भी उल्टी दस्त आ रहा है। मल कल ले गया था मैं दवा कराने, दवा कराने भी ले गए थे और फिर अभी भी ले जाएंगे। तो यहाँ लोग बहुत बीमारी फैल गई थी बच्चे के लिए।
कासगंज में अमापुर कस्बा में श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कोविड का असर कम होने पर बाजारों में रौनक लौट आई है। पिछले साल गणेश चतुर्थी का त्योहार कोविड की वजह से फिर चढ़ गया था। इस बार कोरोना कम होने और शासन प्रशासन से मिली ढील के चलते लोगों ने आयोजन की तैयारी कर ली है। लोग पहले से ही भगवान श्री कृष्ण श्री गणेश की प्रतिमाएं खरीद कर घर पर ले जा रहे थे और ऐसे में गुरुवार को सुबह बाजारों में गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और ऐसे में घर घर गणपति बप्पा को लोग धूमधाम से विराजमान कर रहे हैं। इसके लिए बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुके हैं और इस बार बाजार में चीन निर्मित प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश प्रतिमाएं नहीं दिख रही है। तो ऐसे में गणेश उत्सव की धूम जो है आज देश भर में देखने को मिल रही है। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में राजगीर मिस्त्रो बीरबल का गुजरात की एक महिला से अवैध संबंध था। कुछ समय पहले वो उस महिला को लेकर कुशीनगर अपने घर आ गया और उसे कहा कि वो उसकी दूसरी पत्नी है और सभी को उससे स्पीक बात भी करना होगा और इस पर उनकी पत्नी शीला ने कड़ा विरोध किया और ऐसे में पत्नी के विरोध की वजह से बीरबल को उस महिला को वापस गुजरात ही ले जाकर उसके घर छोड़ना पड़ा। लेकिन वापस लौटकर वो अपनी पत्नी पर जमकर जुल्म ढाने लगा। शराब के नशे में धुत होकर पत्नी को बेरहमी से पीटना उसके लिए रोज की बात हो गई थी। ऐसे में बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात बीरबल की मां उसके दो छोटे बच्चों को लेकर बरामदे में सोई थी। बीरबल की पत्नी उसकी लंबी उम्र के लिए सुबह से तीज का निर्जला व्रत रखे हुई थी और देर बाद पति उठा और अपनी पत्नी को बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे तक जब कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो बीरबल की मां सुमारी देवी उन्हें जगाने गई तो देखा कि बिस्तर के नीचे शीला का शव पड़ा हुआ था और पति गायब हो गया है। ऐसे में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फरार पति की तलाश शुरू कर दी है। मुरादाबाद में बेसहारा घूमने वाले गौवंशियों की सेवा में पिछले कई सालों से लगे वार्ष्णेय परिवार ने कुछ ऐसा ही अनोखा काम कर दिखाया है। मुरादाबाद के दरअसल राम गंगा नदी के पास श्री भगवती गौ पुनर्वास आश्रम चलाने वाले दीपक वार्ष्णेय गणेश चतुर्थी के लिए महीनों पहले से ही अनोखी कला के जरिए गणपति की प्रतिमा को बनाने में लगे हुए हैं और वो भी शुद्ध गाय के गोबर से। दीपक वार्ष्णेय का मानना है कि उनकी तरफ से बनाई जा रही गणपति जी की प्रतिमाएं पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं, वातावरण को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी क्योंकि ये शुद्ध गाय के गोबर से बनी हुई हैं और विसर्जन के समय पानी में पूरी तरह से मिलकर नदी के जीव जंतुओं का आहार बन जाएंगी। गणेश जी की जो ये प्रतिमा है ये इसकी विशेषता है कि ये शुद्ध देसी गाय के गोबर से बनी हुई है। देसी गाय के गोबर से बने होने के कारण इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। जब हम गणेश जी को विसर्जित करने जाते हैं नदियों में तो आमतौर पर स्थिति ये होती है कि नदी के किनारे पर बहुत सारी मूर्तियाँ जिनको आपने 10-15 दिन पूजा है उनको वैसे ही छोड़ करके आ जाते हैं और वहाँ पर माहौल जो होता है वो बड़ा अजीब सा होता है। कुछ अलग ढंग का माहौल हो जाता है कि वहाँ पर मूर्तियाँ अधगली हालत में पड़ी रहती हैं। उसकी कहीं तो हम गंगा की सफाई की बात करते हैं और कहीं पर हम वहाँ पर स्वयं गंदगी करके आ रहे होते हैं। उससे बचने के लिए गाय के गोबर से ये मूर्तियाँ हम लोगों ने बनाई हैं। ये 100% डिजॉल्व हो जाती हैं पानी में। अगर आप इन्हें विसर्जित नहीं भी करना चाहेंगे तो आप इनको गमले में या अपनी क्यारियों में या अपनी पौधशाला में अगर केवल आप वहीं पर विसर्जित कर देंगे तो ये खाद का काम करेगी, कहीं पर भी ये वेस्टेज नहीं है आपके लिए। सबसे बड़ी बात कि जब आप इसे गंगा जी में विसर्जित करते हैं तो ये मछलियों को जलीय जीवों का भोजन है। तो आप जब POP की मूर्ति को उसमें डालते हैं गंगा जी में या किसी भी नदी में या किसी भी तालाब में जब विसर्जित करते हैं तो वो आमतौर पर जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि देसी गाय का गोबर हमारी जलीय जीवों का भोजन है, उससे उनका फायदा होने वाला है। ये प्रतिमाएं जो हैं ये शुद्ध देसी गाय के गोबर से बनाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य ये है
कि जो पीओपी की प्रतिमाएं होती हैं और जिनको गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है, उस पीओपी से होने वाले प्रदूषण को बचाया जाए। हम प्रकृति को स्वच्छ रखने के लिए ये देसी गोबर से बनी हुई प्रतिमाएं बना रहे हैं। ये पानी में जाते ही डिजॉल्व हो जाएंगी और इसमें हमने कुछ बीज भी डाले हुए हैं, जैसे तुलसी जी के बीज हो गए या कुछ बीज, छोटे छोटे बीज होते हैं, ये जाते और ये अपना भी प्लांटेशन करेंगे वहाँ पर जाकर। वहीं शामली में थाना भवन पुलिस को मुखबिर की तरफ से सूचना मिली थी कि थाना भवन क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम देने में शामिल कुछ बदमाश क्षेत्र में मौजूद हैं और वो किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया और थाना भवन थाना क्षेत्र में अहमदपुर पुलिया के पास थाना भवन पुलिस जब चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक पर सवार होकर तीन व्यक्ति सामने से आते दिखाई दिए। पुलिस ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया तो बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने पुलिस पर सीधा फायर कर दिया, जिसमें पुलिस कर्मचारी गोली लगने से बाल बाल बच गए। ऐसे में बदमाशों की फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग होते देख बदमाश सड़क किनारे खड़े गन्ने के खेत से भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर दो बदमाश भागने में कामयाब हो गए। मुठभेड़ की सूचना पर जिले की पुलिस में हड़कंप मच गया, जहां आला अधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और फरार हुए बदमाशों की तलाश में जुट गया है। वहीं गोली लगने से घायल हुए बदमाश को इलाज के लिए थाना भवन सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देखिए, 4 तारीख को अर्ली मॉर्निंग या आप कह सकते हैं 3 तारीख को लेट नाइट में एक कादरगढ़ चौकी क्षेत्र में घटना हुई थी, जिसमें कि घर में असलों के दम पर बंधक बनाकर लूट की घटना जो है वो कारित की गई थी कुछ अपराधियों के द्वारा। उसमें तीन अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा पहले ही की जा चुकी है और पूछताछ में पता चला था कि उसका सरगना जो है वो नीरज नाम का एक अपराधी है और उस पर जो है जनपद पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था और उसके संबंध में सूचनाएँ जो है संकलित की जा रही थी और इसी संबंध में चेकिंग और अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही थी और हमें सूचना थी कि कुछ अपराधी का मूवमेंट हो सकता है और उसी क्रम में जब चेकिंग पार्टी के द्वारा उस बाइक को रोका गया तो वो जो है किनारे की तरफ भागी और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। प्रत्युत्तर में आत्मरक्षा जो है पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पुलिस की गुंडाई देखने को मिली है। ताजा मामला औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र का है, जहां पर चौकी इंचार्ज दरोगा पंकज तोमर और सिपाहियों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। आपको बता दें कि ये कोई नया मामला नहीं है जब पुलिस की बर्बरता या दबंगई देखने को मिली हो। इससे पहले भी पुलिस की दबंगई के कई मामले सामने आ चुके हैं। तो औरैया का पूरा मामला है जहां पर पुलिस की दबंगई देखने के लिए मिल रही है और इसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाराबंकी में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल ओवैसी ने नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित कटरा बरादरी में एक जनसभा की थी, जिसमें ओवैसी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि उन पर बिना अनुमति जनसभा करने और लोगों को राम ने घाटी मस्जिद के नाम पर भड़काने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही मुकदमे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप है। बता दें, ये मुकदमा नगर कोतवाली के सिटी पुलिस चौकी प्रभारी हरीश शंकर साहू की तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया है। इससे पहले बाराबंकी में दरियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने भी ओवैसी और कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की थी और अपर मुख्य सचिव गृह से पत्र लिखकर ये मांग की गई थी। बता दें, विधायक ने अपर मुख्य सचिव को भेजे पत्र में लिखा है कि कटरा मोहल्ला में बिना अनुमति के मीटिंग कर ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ये राम स्नेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद शहीद कराने का आरोप लगाया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।